अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ अगेन एक नई वीडियो के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने डोनर की वीडियो बनाई थी और साथ ही मैं अपनी ये वाली वीडियो भी शूट कर रही हूँ। सो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बनाने वाले हैं अपना सन ब्लॉक। ये जो सन ब्लॉक है, ये हम सन ब्लॉक बनाएंगे। ये जो सन ब्लॉक है, ये इतना अमेजिंग सन ब्लॉक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सन ब्लॉक के बारे में ना हम लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता कि सन ब्लॉक कितना ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। हमारी जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है ना, हमारी स्किन को इतनी सख्त गर्मी में सांस लेने के लिए सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। आप ये समझ लें, आपने सुबह उठ के अपनी स्किन को सन ब्लॉक देना ही देना है, चाहे आप बाहर जा रहे हैं या चाहे आप नहीं जा रहे हैं। मैं भी भूल जाती हूँ काफ़ी बार, लेकिन नहीं भूलना चाहिए, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सन ब्लॉक्स वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आज आपको सन ब्लॉक बता रही हूँ वो है होममेड सन ब्लॉक, और उसमें गारंटीड आपकी स्किन को हेल्दी बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। और आपकी और कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी स्किन पे सूट करें किसी स्किन पे ना करें, नहीं, ये हर एज की स्किन के लिए बहुत अच्छा सन ब्लॉक है। और बच्चों से लेके बड़ों तक ये वाला सन ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन होती है। मेरी ना बहुत सेंसिटिव स्किन है, मैं हल्का सा भी कुछ लगाती हूँ ना स्किन मेरी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैं तो ज़्यादा मतलब जो केमिकल वाली चीज़ें हैं वो मैं यूज़ नहीं कर सकती। मैं एक सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, मेडिकेटेड है वो सन ब्लॉक, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और दूसरा मैं ये होममेड यूज़ करती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाए तो महंगा भी बहुत ज़्यादा है ना तो ये तो बहुत कम पैसों में सस्ता तरीन सन ब्लॉक है, आप इजीली बना सकते हैं इसको घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो चलें आप लोग इसका बनाने का तरीका देखें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। ये सन ब्लॉक बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आपने लेना है कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता हो। आपकी स्किन को जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता हो या लोशन सूट करता हो, आप दोनों से कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, मॉइस्चराइज़र या लोशन। ये आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ हाफ टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना आपने क्योंकि गर्मी है, आप ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते, पसीना इतना आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने लेना है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का आपने 1 टेबल स्पून लेना है फुल, ये देखिए ये 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल आप लोगों ने ले लेना है। ये हमारी सन ब्लॉक की बेस बहुत अच्छे से बनाएगा, सही है, आप देखेंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ना, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं साथ साथ कि जो मॉइस्चराइज़र है वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपको कोई सा भी मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई सा लोशन भी ले सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं, आप कोई क्रीम भी ले सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे होती है, जैसे कि मैंने यूज़ किया, आप इसी तरह से कोई क्रीम भी ले सकते हैं। मेरी स्किन क्योंकि ड्राई टू नॉर्मल है, नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ही थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले लेती हूँ, इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से मतलब मेरी स्किन के लिए काफ़ी बेटर होता है। अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और एक्नी प्रोन स्किन है ना, तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र लिया हाफ टी स्पून, एलोवेरा जेल लिया 1 टेबल स्पून, और लास्ट में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ना, असल में यही है मैजिकल इंग्रेडिएंट इसमें, वो है ये सैफ्रन ऑयल। ये जो सैफ्रन ऑयल है ना, ये आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा होता है, ये वैसे पीने में भी यूज़ होता है सैफ्रन ऑयल, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं यूज़ किया जाता है पीने में, लेकिन ये स्किन के लिए आपको वैसे ही पता है कि ज़ैफ़रान कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। अगर आपके पास प्योर ज़ैफ़रान है ना, तो उसकी भी एक दो आप जो उसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, उसके थ्रेड्स होते हैं, वो आप इसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये इस तरह से सैफ्रन ऑयल ले लें। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, मैं दोबारा बता दूँ, तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देंगे, क्योंकि ये भी ऑयल इसमें यूज़ हो रहा है, ये भी मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा, तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल के अंदर ये सैफ्रन ऑयल मिलाएंगे। अब ये कितना मिलाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर तो आपकी स्किन है ड्राई, तो आप इसमें मिलाएंगे हाफ टी स्पून जितना। अगर तो आपकी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई जैसे कि मेरी है, तो आप इसमें मिलाएंगे 5 to 6 ड्रॉप्स, जैसे कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे 5 to 6 ड्रॉप्स इसमें ऐड हो चुके हैं। और अगर आपकी स्किन है ऑयली, तो आप इसमें मिलाएंगे 3 to 4 ड्रॉप्स, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स आपने इतने अच्छे तरीके से करना है ना कि हर चीज़ यकजान सी हो जाए। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने जब इसकी मिक्सिंग करनी है ना, इस मतलब क्रीम्स वगैरह जो भी आप लोग बनाएंगे, वो बनाने के लिए जैसे अब मैं यहाँ पर सन ब्लॉक बना रही हूँ, आप कोई भी क्रीम बनाए
DIY क्रीम्स होती हैं बहुत सारी, वो बनाएं। उसके लिए आपने इस तरह का शीशे का बॉल या लकड़ी का बॉल या तो प्लास्टिक का बॉल आपने यूज़ करना है, ठीक है। स्पून भी इसी तरह से शीशा, लकड़ी या प्लास्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी मेटल का इसमें चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, मेटल की चीज़, ठीक है, वो स्किन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। स्किन को बहुत ही प्यार से रखना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है स्किन का। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना DIY घर में होममेड जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं देती हैं पहली बात, और दूसरी बात ये कि इनका रिज़ल्ट जो होता है वो परमानेंट होता है। जो हम बाज़ार की चीज़ें यूज़ करते हैं उनका रिज़ल्ट एक तो फौरी तौर पर आ जाता है, दूसरा वो परमानेंट नहीं होता है। इनका रिज़ल्ट परमानेंट होता है, आता तो देर से है लेकिन होता परमानेंट है। ये देखिए जी, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का सनब्लॉक तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा चेक करें, कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। यही अगर आप मार्केट से लेने के लिए जाएंगे ना तो ये आपको 15 to 2000 में आराम से मिलेगा। आपने इसको किसी भी कंटेनर में डाल के रख लेना है, ठीक है, और कंटेनर भी आपका प्लास्टिक का या फिर शीशे का होना चाहिए। देखिए मैं रेडी हो गया, जो बच गया वो मैं अपने हाथों पे लगा लूँगी और अपने फेस पर भी लगा लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा। अच्छा, आप इसे लगाएंगे ना, ये 2 मिनट के अंदर आपकी स्किन के अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। अभी देखिएगा, मैं आपसे बातें करूँगी और ये बातें करते करते इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये यूज़ किया हुआ है बहुत टाइम और ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। इसे ज़रूर ट्राई करना है। बाकी मैं आप लोगों को फेस पे भी ये लगा कर दिखा देती हूँ, इससे आपकी स्किन इतनी मज़े की बेबी स्किन हो जाएगी ना, फ्लॉलेस। लोगों ने इसको बनाने का तरीका देख लिया, अब इसको लगाना आपने किस तरह से है। आपने थोड़ा सा लेना है, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना तो थोड़ा मुश्किल है, इतना सा आपने लेना है जितना आपको रिक्वायर हो। अभी मैं पूरे फेस पे तो नहीं लगा सकती ना, तो आपको थोड़ा सा मेरे ना इन जगहों पे, ये जो ये वाली जो जगह होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी ये जगह। तो आप लोगों की भी जो जगह ज़्यादा सेंसिटिव हो ना, जो एरिया सेंसिटिव होता है ना स्किन का, वहाँ पे सूरज की शुआएं बहुत ज़्यादा असर करती हैं, और वो अगर आप बाहर धूप में निकलेंगे ना, जो आपकी स्किन का सेंसिटिव एरिया है वो इतना रेड हो जाएगा। मेरे साथ यही मसला होता है, और आपको ना हल्की हल्की सी जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। बस इस तरह से आपने इसके डॉट्स लगाने हैं, और जो आपका एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है उस पे आपने इसको लगाकर हल्के हाथों से, आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं लगाना है इसको, बहुत ही हल्के हाथों से बस आपने इसको अपनी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर देना है। ये आपकी स्किन के अंदर इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, आपको थोड़ी देर बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया भी था। बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा ये आपकी स्किन में, ठीक है। इस तरह से आपने लगा देना है इसको, और जी आप लोगों ने एंजॉय करना है पूरा दिन, बहुत ही इजी वे में आपका ये सनब्लॉक रेडी हो जाएगा। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इसके रिजल्ट्स मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।